आज का अपना नया टॉपिक है, दैट इज ऑनकोलॉजी ब्रांच के अंदर टीएनएम क्लासिफिकेशन। जिस भाई ने भी जिसने भी वो मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल द रिलेटेड ऑनकोलॉजी, यानी कि मैंने ऑनकोलॉजी के बारे में सारा जो इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका, वो सारा वहां पे डिस्कस किया है। तो जिसने ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो वीडियो देखना, तभी ये बाकी आगे की जो वीडियो है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो अपना नया टॉपिक है, दैट इज टीएनएम क्लासिफिकेशन। माय फ्रेंड्स, दोस्तों, क्या होता है कि टीएनएम क्लासिफिकेशन कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, विच आर लाइक भाई टीएनएम, यानी कि टी स्टैंड फॉर ट्यूमर, एन स्टैंड फॉर नोड एंड एम स्टैंड फॉर मेटास्टेसिस। ट्यूमर यानी कि मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसे कहा जाता है नई ग्रोथ को, तो ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर की अगर मैं तीन स्टेज के बारे में लेके चलूं, यानी कि कहीं भी आपको टीएक्स यानी कि आप एक बार इसको लिख लेना, ठीक है। देन उसके बाद में टीएक्स का मतलब क्या होता है? अगर टीएक्स का मतलब ये होता है कि सर जहां पे आपको टीएक्स लिखा पाए, तो उसका मतलब ये होता है सर ट्यूमर कांट बी सस्पेक्टेड और असेस्ड, यानी कि अभी तक को ट्यूमर वो सस्पेक्ट असेस नहीं कर पाए हैं। देन टी नोट यानी कि नो ट्यूमर एविडेंस फाउंड, यानी कि कोई भी ट्यूमर का एविडेंस है वो नहीं फाउंड हुआ है। और टी वन का मतलब होता है कि सर ट्यूमर प्रेजेंट है, यानी कि जहां पे टी वन लिखा हो वहां पे ट्यूमर प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में सर नोड के बारे में आते हैं, एन नोड यानी कि एनएक्स यानी कि सर नोड कांट बी सस्पेक्टेड और असेस, यानी कि नोड का अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट है वो अभी तक असेस नहीं हो पाया है। देन नो एविडेंस ऑफ फाउंड ऑफ नोड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एन नोड का मतलब ये होता है कि भाई कोई अभी तक एविडेंस फाउंड नहीं हुआ है। और देन एन वन का मतलब होता है कि भाई नोड का इन्वॉल्वमेंट है। देन उसके बाद में सेम एज लाइक MX यानी कि no metastasis assessed और suspect, कोई metastasis यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक, M4 metastasis और M4 metro से याद रखना, मेटास्टेसिस हमेशा मेट्रो लेके चलती है, यानी कि MET यानी कि सर ये मेट्रो याद रखना, ये ट्रिक है इसको कि भैया ठीक है ये स्प्रेड करने की, भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने का होता है। तो नो मेटास्टेसिस असेस्ड और सस्पेक्ट MX के अंदर, M नोड के अंदर नो मेटास्टेसिस इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कोई इसका वो नहीं हुआ, एविडेंस नहीं है। और देन उसके बाद में M1 के अंदर होता है कि सर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, यानी कि मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। ये सिर्फ खाली बताने को होता है कि भाई कैसे क्लासिफाई करते हैं, भाई कौन सा ट्यूमर के अंदर कैसे क्या स्टेज है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट ट्यूमर के रिलेटेड बातें थी, आप इसको वापस एक बार देख कर लिख लेना अच्छे से, और बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं कि भाई जो उसके हिसाब से देखा जाए वो वहीं पे लिख दिया जाता है कि भाई किस टाइप की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, नोड इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, मेटास्टेसिस है नहीं है, ट्यूमर किस टाइप का है, तो ये होता है। ठीक है, एक जो ये तो था टीएनएम क्लासिफिकेशन, आई होप इसको थोड़ा लिख लेना समझ लेना। देन उसके बाद में होता है अपने पास में सेकंड नंबर पे, लेकिन इसको मैं मिटा रहा हूं। देन फिर सेकंड नंबर पे होता है सर ट्यूमर के बारे में, मैं आपको दो बातें और बता देता हूं। ठीक है, ट्यूमर के बारे में ये तो था बहुत कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है जो सभी को पता होगा, लेकिन एक चीज और याद रखना। ठीक है, देखो एक होता है सर अपने पास में T1, यानी कि जब T1 का मतलब यहाँ पर होता है कि सब जब ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो इसका साइज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर इसके साइज कैसे पता चलेगा, तो सर ट्यूमर अगर T1 की स्टेज होती है तो सर 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, देन उसके बाद में T2 होता है सर, टी ट्यूमर अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ठीक है सर 3 to 5 सेंटीमीटर होता है। T3 के अंदर होता है ट्यूमर अबाउट कितने सेंटीमीटर का होता है सर, 5 to 7 सेंटीमीटर का होता है। और T4 के अंदर होता है सर ट्यूमर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, यानी कि ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर का जो ट्यूमर पाया जाता है। तो ये साइज से रिलेटेड भी एक क्लासिफिकेशन होती है ट्यूमर से, कि अगर T1 जाने का हो वो 3 सेंटीमीटर का होता है, ट्यूमर T2 होता है 3 to 5 सेंटीमीटर का, T3 होता है 5 to 7 सेंटीमीटर का, एंड T4 होता है सर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर का। तो ये क्लासिफिकेशन आप याद रखेगा, इसके अंदर कुछ समझाने का ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने आपको डेप्थ दे दिया। अब चलते हैं सर ग्रेडिंग और स्टेजिंग के बारे में, यानी कि सर GCS यानी कि ग्लास्को कोमा स्केल की एक ट्रिक है, कैसे कि सर कैंसर के अंदर, यानी कि सी स्टैंड फॉर कैंसर के अंदर सर ग्रेडिंग होती है और सर स्टेजिंग होती है। ठीक है सर, स्टेजिंग होती है। अब ये ग्रेडिंग और स्टेजिंग का क्या मतलब है भाई? देखो देखो ग्रेडिंग का मतलब तो होता है कि भाई सर सेलुलर एस्पेक्ट कितना खराब हुआ है, यानी कि जो सेल्स के अंदर कितना चेंजमेंट हुआ है वो बताता है ग्रेडिंग। और स्टेजिंग होती है सर मेटास्टेसिस को बताने वाली, यानी कि वो स्टेजिंग जो मेट्रो लेके यानी कि मेटास्टेसिस हो गई है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो बताने वाली जो स्टेज होती है, दैट इज नोन एज स्प्रेडिंग को बताता है। ठीक है, इट टेल अबाउट द स्प्रेडिंग, कि भाई कितना स्प्रेड हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है,
ये पति मेटास्टेसिस स्टेजिंग होती है, ग्रेडिंग और स्टेजिंग होती है कैंसर की। दो पार्ट होते हैं जिसके अंदर सेलुलर को बताता है ग्रेडिंग और स्प्रेडिंग को बताता है स्टेजिंग, ठीक है याद रखना। जैसे ग्रेडिंग कितने तरह की होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है लिख लिया होगा आपने, ग्रेडिंग कितने तरह की होती है देखो। ग्रेडिंग की तरह अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे पहले जो ग्रेड होता है दैट इज देखो फर्स्ट होता है G1, यानी कि जो अपना ग्रेड है कितना सेलुलर एस्पेक्ट खराब हुआ है। तो सबसे तो पहले होता है भाई देखो डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है, और मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है मेटाप्लेजिया, ठीक है। देखो पहले तो होता है जीवन का होता है, सर जीवन के अंदर तो होता है कि भाई देखो अगर डिस्प्लेजिया है, अगर जैसे मेटाप्लेजिया भी छोड़ दो आप तो आप खाली कुछ डिस्प्लेजिया रखो, देखो इसके अंदर डिस्प्लेजिया है कितना है माइल्ड है, ठीक है माइल्ड है। देन सेकंड नंबर पे मॉडरेट डिस्प्लेजिया है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया है, ठीक है। देन तीसरे नंबर पे होता है G3 जिसके अंदर सीवियर डिस्प्लेजिया है। अब मैं इसको बताऊंगा मतलब क्या इसका यहां पे। और G4 के अंदर होता है एनाप्लेजिया, यानी कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि सर डिस्प्लेजिया क्या होता है, यानी कि शेप खराब हो जाती है। नंबर ऑफ द सेल्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन शेप खराब हो चुकी है, लेकिन माइल्ड कंडीशन अंदर स्टेज फर्स्ट के अंदर, ग्रेड फर्स्ट के अंदर। देन ग्रेड सेकंड के अंदर मॉडरेट डिस्प्लेजिया यानी कि थोड़ा जाता है। देन थर्ड के अंदर सर सीवियर है, बहुत ज्यादा सीवियर है। और फिर फोर्थ के अंदर होता है एनाप्लेजिया यानी कि फंक्शन लॉस हो चुका है उसका, जो सेल जिसके लिए काम करता था वो एकदम होता है, इरिवर्सिबल स्टेज होती है। इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, अगर पेशेंट भी यहाँ पे तक देख लेता था यहाँ तक देख लेता था ना तो उसको उसे कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को कैंसर के द्वारा जो कैंसर जो बीमारी तो उसको ठीक किया जा सकता है, अगर इन दो स्टेज के अंदर देख लेता है, इन दो स्टेज के अंदर इरिवर्सिबल स्टेज होती है उसको असेस नहीं किया जा सकता और असेस किया जा सकता बट ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये था ग्रेडिंग के बारे में। स्टेजिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको कि भैया देखो स्टेजिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो स्टेजिंग का मतलब होता है देखो, स्टेजिंग का मतलब होता है आपके पास में कि यहाँ पे पाए जाने वाली जगह स्टेज फर्स्ट होती है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है कि भाई कार्सिनोमा इन सीटू होता है, ठीक है कार्सिनोमा इन सीटू, यानी कि जहां पे जो कैंसर होता है इसका मतलब ये होता है कि जहां पे जो कैंसर होता है वो वहीं पे ही पाया जाता है, वहीं लोकलाइज्ड, अभी आगे बढ़ा नहीं है वहीं पे ही है, ये भी इरिवर्सिबल स्टेज है। देन स्टेज सेकंड होती है जिसके अंदर सर लोकल होती है, यानी कि सर लोकल नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मान के चलो आपको कोई सामान अपने घर से और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, यानी कि कोई भी आपके पास में कोई इक्विपमेंट है या फिर कोई सामान है जो भी जो आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट तक तो दोगे नहीं, सबसे पहले आप क्या लेके जाओगे, पहले उस सामान को डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाओगे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहां तक पहुंचाओगे। देन वो डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करेंगे, स्टेट तक लेके जाएंगे उसको, यानी कि स्टेट तक वो बात पहुंचाई जाएगी। देन उसके बाद में स्टेट से लेके फिर कहां पे जाएगी, सेंटर के अंदर जाएगी। सेम एज लाइक अगर मेरा स्टमक के अंदर कैंसर हो रहा है किसी के, तो स्टमक के कैंसर के अंदर हो तो पहले वो क्या करेगा भाई, जो लोकल लिम्फ नोड है स्टमक की वहां पे लेके जाएगी, फिर उसके बाद में वो रीजनल के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। स्टेज थर्ड के अंदर होता है कि भाई रीजनल क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि जहां पे रीजनल नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यानी कि रीजनल नोड इन्वॉल्वमेंट है वो लेके जाएगा कहां पे, यानी कि जो पहले तो लोकल आती है फिर रीजनल होती है, यानी कि स्टेट तक लेके जाएगा। देन फोर्थ आती है डिस्टेंट, यानी कि बहुत दूरी तक, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपन ने उस सामान को, उस बात को, अपने जो मुद्दा है उसको तक पहुंचा दिया है। तो ये था डिस्टेंट नोड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि दूर तक की, यानी कि कैंसर हो रहा है स्टमक के अंदर और साइन सिम्टम्स आ रहे हैं अदर लंग्स के अंदर या फिर नीचे यूट्रस के अंदर या फिर फीमेल है तो, या फिर किसी भी भाई जो नोड इन्वॉल्वमेंट है, जो भी पर्टिकुलर अलग अलग जो डिस्टेंट होता है और जहाँ पे साइन सिम्टम्स कहीं और होते हैं तो वो होता है अपने डिस्टेंट नोड के अंदर। तो दीज आर ऑफ स्टेजिंग होती है किसकी, कैंसर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं सर मार्कर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर के अंदर, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, यानी कि मार्कर्स ऑफ कैंसर, मार्कर्स ऑफ कैंसर, यानी कि कैसे पता चलेगा कि भाई अपने पास में कौन सा होता है। देखो ये मार्कर्स ऑफ कैंसर से पहले मैं दो पॉइंट और आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो सर जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स यानी कि अगर किसी का भी कैंसर हो रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो रहा है, तो जो उसको मेटास्टेसिस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहा है, उसको रिसीव करने वाला जो ऑर्गन होता है ना मोस्ट कॉमन, वो तो होता है सर लंग्स होता है। देन सेकंड नंबर पे ब्रेस्ट का जो होता है ना, ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है उसको रिसीव करने वाला सर बोन मैर होती है, यानी कि बोन मैर होती है, बोन होती है, ठीक है। देन उसके बाद में तीसरे नंबर पे होता है सर अगर कोलोरेक्टल का कैंसर हो रहा है ना, कोलोरेक्टल का कैंसर हो रहा है, कोलोरेक्टल कैंसर,
तो उसके अंदर कौन रिसीव करता है? सर उसके अंदर रिसीव करता है लीवर। तो याद रखना ये तीन पॉइंट क्वेश्चंस ब्रेस्ट मोर में आता है कि ब्रेस्ट का जो रिसीव करने वाला मेटास्टेसिस ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो बोन मेल होती है, बोन होती है, ठीक है। तो ये था अपने पास में, ये तीन पॉइंट लिख लेना। और बाकी लंग्स मोस्ट कॉमन सभी का रिसीव करता है, और बाकी कोलोरेक्टल कैंसर का रिसीव करने वाला लीवर होता है, ठीक है, मेटास्टेसिस को। देन उसके बाद में आपको शुरू करते हैं सर मार्कर्स कौन से होते हैं अपने अंदर बॉडी के। देखो मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि सबसे पहले होता है, शुरू करते हैं ऊपर से। आप बहुत सारी जगह लिखते हैं ऊपर नीचे लिखे रहते हैं, मैं आपको सिस्टम से बताता हूँ क्या होता है कि शुरू करो आप कहाँ से, ऊपर से। यानी कि थायरॉइड ग्लैंड का अगर कैंसर हो जाता है, थायरॉइड ग्लैंड का अगर कैंसर हो जाता है, तो वहां पे जो मार्कर होता है आप लिखते जाना, मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली, दैट इज कैल्सीटोनिन। यानी कि जो कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होता है जो रिलीज किया जाता है थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा, वो बताता है किसके बारे में, थायरॉइड कैंसर के बारे में। देन उसके बाद में थायरॉइड आ गया, थायरॉइड के बाद में जो सेकंड जो चीज आती है ऊपर की तरफ, दैट इज चेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट। किसकी सर? फीमेल की। जब ब्रेस्ट के अंदर कैंसर होता है तो उसके अंदर चार मार्कर्स होते हैं मेनली, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो होता है CA-153, यानी कि CA-153 यानी कि 153, ये मार्कर होता है किसका? ब्रेस्ट का। देन सेकंड नंबर पे सर बी, एक ये CA लिख लेना, 127 और 29 लिख लेना, ठीक है, ये भी होता है किसका? ब्रेस्ट का ही। देन इसके अलावा सर BRCA-1 और 2, ये भी होता है किसका? ब्रेस्ट कैंसर का। और बाकी सर प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन रेस्पॉन्स, ये आर आल्सो रिलेटेड टू द किससे? ब्रेस्ट कैंसर से। यानी कि ये सारे मार्कर्स होते हैं किसके? ब्रेस्ट कैंसर के, ठीक है, लिख लेना, याद कर लेना, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस ये रटने वाली चीजें तो रटी जाएगी और पढ़ी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद 153 हो गया। देन उसके बाद में सर एक अंदर, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? पीछे की तरफ लंग्स पाए जाते हैं, तो लंग्स के अंदर अगर कैंसर पाया जाता है तो उसको जो बताने वाला ट्यूमर मार्कर होता है, दैट इज एल्कलाइन लाइफोमा काइनेज, ठीक है, ये नाम लिख लेना। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इससे, बहुत कॉमन, बहुत लिस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाए तो, बट नहीं पूछा जाता है। स्मॉल लंग कैंसर होता है, मतलब ये इसका मार्कर होता है, ठीक है, ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है, नॉन स्मॉल लंग कैंसर का जो मार्कर होता है ये होता है। देन उसके बाद में लंग्स के बाद नीचे जो चीज पाई जाती है उसे कहते हैं हम पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का जो पाया जाएगा विच इज कौन सा होता है? फर्स्ट वन सर 99 कैंसर 199 ये होता है सर किसका मार्कर? पैनक्रियास का मार्कर। बाकी सर लीवर का जो पाया जाता है वो होता है सर हिपेटोसेलुलर का, लीवर का जो पाया जाता है दैट इज अल्फा फिटो प्रोटीन, यानी कि अल्फा फिटो प्रोटीन इज द मार्कर ऑफ अल्फा फिटो प्रोटीन, ठीक है। तो ये तो सर लीवर का मार्कर जो कि पाया जाता है अपनी लीवर के अंदर कैंसर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में होता है मेरे पास में, बोर मत होना प्लीज इसको, ये इसके अंदर ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, ऐसे ही याद हो गया, इन थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ये, बट अब इसको याद तो करना ही पड़ेगा कैसे करके, ठीक है। तो उसके बाद में सर अपने पास में कोरियोकार्सिनोमा का जो मार्कर होता है दैट इज HCG, यानी कि HCG कोरियोकार्सिनोमा का मार्कर होता है। देन इसके बाद में कोरियोकार्सिनोमा के बाद में जो मार्कर पाया जाता है दैट इज किससे पाया जाता है सर? PSA, यानी कि ये होता है सर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, जो किसको बताता है सर? ये बताता है अपने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, ठीक है, यानी कि सर ये प्रोस्टेट कैंसर को बताता है। और बाकी अगर मैं ओवरी का बताऊं जो कि मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ओवरी का होता है दैट इज कैंसर 125, ठीक है, तो ये होता है किसका? ओवरी का होता है। और अगर मैं कोलोरेक्टल कैंसर की बात करूं, कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर बताऊं कि यानी कि कोलोन के अंदर अगर कैरेक्टर के बीच में कैंसर हो जाता है तो उसको पाया जाता है जो मार्कर होता है दैट इज CEA, ये होता है, यानी कि कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन, यानी कि ये होता है किसका? CEA कोलोरेक्टल कैंसर का। और एक होता है CD10
जो होता है किसका, लिम्फोमा का, ठीक है, होजकिंग लिम्फोमा का होता है। तो आई होप मैंने सारे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो अपने बॉडी के अंदर पाए जाते हैं सारों का मैंने आपको मार्कर्स बता दिए, लिख लेना, हेल्प होगी किसी न किसी एग्जाम के अंदर। मोस्ट कॉमन ओवरी का पूछा जाता है, पीएससी का पूछा जाता है, कोरियोकार्सिनोमा का पूछा जाता है, लीवर का पूछा जाता है, बस। और बाकी अगर, और हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का पूछा जाता है, बस ये है, ठीक है। देन उसके बाद में मार्कर्स के बाद में मैं आपको बताऊं कि भाई ये तो थे अपने पास में बॉडी के अंदर जो मार्कर्स होते हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं, क्यों क्या बताते हैं अपने बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इनके बारे में ही बता देते हैं। बाकी अब कुछ सप्रेसर जीन्स भी पाए जाते हैं तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई पूछते भी नहीं है वो तो, लेकिन मैं इसके कोई कारण बताता हूँ किस किस कारण की वजह से ये होती है, यानी कि कैंसर किस किस कारण की वजह से। आप राइट डाउन लिखते जाना व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द मेन कैंसर, यानी कैंसर कौन कौन करवाते हैं। अगर अपन फर्स्ट पहले एनवायरमेंट के कैंसर के बारे में बात करें कि भाई एनवायरमेंटल कॉज क्या होता है, तो फर्स्ट वन विच इज सर एक्सरे और यूवी रेज, यानी कि अगर यूवी रेज के अंदर कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन काज होता है कैंसर का, आप लिखते जाना। सेकंड नंबर होता है सर केमिकल एजेंट्स, केमिकल के एजेंट्स के अंदर जैसे बेंजीन से रिलेटेड और पेट्रोलियम से रिलेटेड, और यानी कि ये जो करवाती है सेरेलुक्यूमिया वगैरह कैंसर करवा देती है, तो बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये निकोटीन वगैरह हो गया, तो ये करवाते हैं कैंसर, ठीक है, तो आप ये लिखते जाना। तीसरे नंबर होता है सर माइक्रोबायोलॉजिकल, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं वो करवाते हैं। सबसे पहले वायरस कौन कौन सा होता है, HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसका सब टाइप होता है 16, 18, 31, ये तीन होते हैं जो मोस्ट कॉमन करवाते हैं। कौन कौन सा, सर्वाइकल कैंसर, यानी कि सर्विक्स के ऊपर जो पाया जाने वाला कैंसर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, और जिसके अंदर क्या होता है सर, जिसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्वॉल्व होता है, 16, 18, 31 सब टाइप होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, और ये पैप स्मीयर के द्वारा इसको जांच की जा सकती है। देन उसके बाद में कैंसर के ये हो गया, देन उसके बाद में जो और अदर हेपेटाइटिस बी होती है, हेपेटाइटिस बी को कैंसर करवाने वाला सर ओबियस बात है हेपेटाइटिस बी वाला होगा, तो वो होगा किसका, लीवर का कैंसर करवाता है। बाकी एब्सटेन बार वायरस, लिखने का नाम एब्सटेन बार वायरस, ये करवाता है होजकिंग लिम्फोमा, यानी कि होजकिंग लिम्फोमा को कैंसर करवाने वाला जो वायरस होता है, होजकिंग लिम्फोमा को जो वायरस करवाने वाला कैंसर होता है, वायरस होता है जो कैंसर करवाता है, दैट इज सर ये होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं बताऊं तो सर जैसे एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी होती है सर, जो क्या करवाती है सर, वो करवाती है किसका, स्टमक का, यानी कि पेप्टिक अल्सर जो करवाती है उससे रिलेटेड, ठीक है। और बाकी अगर एब्सटेन वायरस वायरस हो जाती है और बाकी ये हो जाती है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेस जो कैंसर करवाते हैं। एक HTLV वायरस भी होता है, कौन सा होता है, HTLV यानी कि सर ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइटिक वायरस होता है, ठीक है, ये ल्यूकीमिया करवाता है। ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया सर WBC का एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाती है, जैसे भाषा में ब्लड कैंसर जैसे कहते हैं, WBC का कैंसर हो जाती है, बहुत एबनॉर्मल तरीके से प्रोलिफरेट करती है, तो उसकी वजह से जो कैंसर पाया जाता है दैट इज मेनली रिलेटेड टू द ये। लास्ट टॉपिक इसके बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ, विच इज क्या कि भाई जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होती है, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं बातें बता देता हूँ आपको। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से क्या होता है, देखो क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसको लेके ना। क्या होता है कि जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती है वो लड़कियां, वो औरतें जो अभी 14 साल से लेके और 45 जो नॉर्मल पूरी इंडिया और अदर वर्ल्ड्स का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, और जो इंडिया का होता है वो 15 साल यानी कि 15 ईयर से लेके और 49 ईयर्स तक जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है जहाँ पे औरत बच्चे पैदा कर सकती है, तो उस टाइम पे जो इसके अंदर चेंजमेंट आता है, जो ब्रेस्ट के अंदर चेंजमेंट आता है, तो उसको कैसे असेस किया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा 7 to 10 डेज पे, यानी कि हर महीने जो MC कंप्लीट होती है, जब उस टाइप के पीरियड्स खत्म होने के बाद में 7 से 10 दिन के बीच में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। देन उसके बाद में वो लेडी जो पोस्ट मेनोपॉज़ल यानी कि 49 साल के बाद में अगर असेस करना है तो कैसे किया जाएगा, ये लिखते जा रहे पॉइंट, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 45 साल के बाद में या फिर 49 साल के बाद में पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल है या फिर हिस्टेरेक्टोमी यानी कि उसकी यूट्रस को हटा गया है, तो उसकी भी एमसी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके अंदर हर महीने के कोई भी फिक्स डे पे क्वेश्चन आता है ये कि भाई अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल है तो कब किया जाएगा, तो हर फिक्स महीने को होता है। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर एक प्रिपरेटरी पीरियड है तो 7 to 10 डेज तक किया जाता है पोस्ट मेनोपॉज़ल पीरियड के अंदर। देन उसके बाद में
तीसरे नंबर होता है अगर एक औरत ओसीपी ले रही है यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो वो कब करेगी? सर वो करेगी कोई भी जो पैक होता है ओसीपी का उसको शुरू करने से पहले करेगी। अच्छा अब ये तो होगी भाई कब कब करेगी, देन उसके बाद में जब वो शावर लेती है नहाती है तो उस टाइम पे अपनी सेकेंड थर्ड और फोर्थ यानी कि इन तीन फिंगर्स के द्वारा इसको राउंड एंड राउंड करके स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर किया जाता है। ये क्वेश्चंस है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे पॉइंट्स याद रखना, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी पोजीशन होती है, कैसे किया जाता है, कैसे जो उसका मोशन होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो थे अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। देन उसके बाद में होता है टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में। इससे बातें सिर्फ दो याद रखना, हर महीने की फिक्स डे पे किया जाता है, कभी कर लेना, और आफ्टर शावर किया जाता है, वो ड्यूरिंग द शावर किया जाता है, ये आफ्टर द शावर किया जाता है। बस ये था इससे रिलेटेड बातें। और डायग्नोसिस के बारे में अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि भाई डायग्नोसिस क्या क्या होता है, अगर भाई कैसे कैंसर को डायग्नोस किया जाता है तो भाई बायोस्पी कन्फर्मेटिव अरेंजमेंट होता है, भाई बायोस्पी होती है जिसके द्वारा किसी भी पार्ट को ले लिया जाता है और फिर उसको एग्जामिन किया जाता है, कल्चर करवाया जाता है। देन सेकंड नंबर भाई फिनाइल पढ़ा होगा अपने, फाइन नीडल एस्पिरेटरी साइटोमेट्री होती है, यानी कि वो क्या करते हैं भाई एक फाइन को उसके निकलवा के किसी भी एक नीडल के द्वारा और फिर उसकी जांच की जाती है। देन तीसरे नंबर पे होता है मल्टीपल स्टेजिंग होती है, यानी कि मैं मेरे डिफरेंट पार्ट से जैसे स्टमक से ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, जहाँ से भी जो उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ रहता है स्टेज का, किसका कैंसर का, तो उस टाइम पे उसको निकाल के फिर उसकी स्टडी की जाती है। ये होता है किसका रिलेटेड डायग्नोसिस, कैंसर से रिलेटेड डायग्नोसिस। दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है सर फ्रोजन वाला, जो रैपिड होता है लेकिन रिजल्ट रिलायबल नहीं देता है। भाई किस किस के द्वारा अपन जांच कर सकते हैं, दो मेथड होता है, एक तो फ्रोजन होता है, एक पैराफिन होता है। पैराफिन वाला होता है जो 24 घंटे बाद में अपने वो रिपोर्ट देता है, और जो फ्रोजन वाला होता है वो रैपिड देता है, जल्दी देता है लेकिन रिलायबल नहीं होता है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बारे में, सारी जितने भी ड्रग्स होती है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्लस मैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ तक इस वीडियो को अगर आपने देखा है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको अगर कोई परेशानी आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो भी मेरे को आप बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।